हेलो दोस्तों, स्टडी गाइड एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव सैनी और हम आरआरबी एनटीपीसी साई को तैयार कर रहे हैं। आज हम सिंपली इस वीडियो के अंदर अपनी स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे कि लास्ट के 20 दिनों के अंदर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। हमारा 30 तारीख का एग्ज़ाम है, आज हुई है 9 तारीख, तो कुल मिला के एक तरीके से 19-20 दिन ही हमारे पास बचे हुए हैं। तो हर एक पार्ट के लिए, क्लासिफिकेशन टेस्ट के लिए, सेलेक्टिव अटेंशन, शॉर्टेस्ट रूट, पर्सनलिटी, इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग, सभी के लिए क्या स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए एंड क्या रूटीन हमको फॉलो करना चाहिए कि हमारे मार्क्स हैं जो इंक्रीज हो हर किसी सेक्शन के। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर सिंपली हम बस डिस्कशन करेंगे। इसमें कोई भी यानी कंटेंट ऐसा नहीं है कि आपको इस क्लासिफिकेशन टेस्ट से यानी रिलेटेड कुछ थ्योरीज के अंदर नहीं है। सिंपली बस हम डिस्कस करेंगे कैसे क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए एंड थोड़ी बहुत मोटिवेशन के थोड़ी कहानी से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले चलते हैं, कर दें स्टार्ट। देखो तो सबसे पहले एक बात बताता हूँ, इसको पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी स्ट्रेटजी जो है वो डिस्कस करने से पहले। तो क्या हुआ था कि मैं पहले कोचिंग सेंटर में पढ़ता था, तो उस कोचिंग सेंटर में मैं लड़की आती थी, दो तीन लड़कियों का ग्रुप था गांव का, तो उसका मैथ पोर्शन बहुत ज़्यादा वीक था। तो हमारे जो मैथ के जो सर थे उन्होंने सिंपली यानी उसको वो छोटे छोटे डाउट पूछते रहते थे, तो एक दिन उसको डांट के उसको यानी ऐसा डांटा कि वो रोने लगी। वैसे टीचर को करना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी ऐसा डांटा कि वो रोने लग गई थी। यानी तो हो गए यानी उस बात को हो गए थे 1-1.5 साल। और उस वक्त यानी उसका मैथ हर एक पोर्शन जो मैथ का था बिल्कुल ही एकदम वीक पोर्शन था, यानी कि छोटे छोटे डाउट ही वो पूछती रहती थी। देन 1-1.5 साल में बाद यानी मेरी ज्वाइनिंग तब आई नहीं थी, तब मैं कोचिंग में पढ़ाने गया था, उसी कोचिंग में पढ़ाने गया। देन मैंने देखा उस लड़की को, वो अभी भी वहाँ तैयारी कर ही रही थी। देन जब मैं पढ़ाने लगा, मैं मैथ पढ़ा रहा था एंड देखा मैंने कि उसके अंदर कितना चेंजेस आ चुका था। यानी क्वेश्चन आप पूछते के साथ ही मैं मैथ का क्वेश्चन बोर्ड पर लिखता था, उससे पहले तो उसके आंसर होते थे। ठीक है, और सभी बच्चे बैठ के देखते रहते थे, और तब मैंने देखा यार कितना चेंजेस यानी कितना इम्प्रूवमेंट, यानी इसने अपने प्रैक्टिस करके कितना इम्प्रूव किया है। यानी 8 से लेके 10 तक के बच्चों को, 11-12 को मैथ भी पढ़ाती थी, पढ़ाना स्टार्ट किया उसने, जिससे कि उसकी कमांड इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, हर किसी में कमांड उसकी बहुत बेहतरीन हो चुकी थी। और सभी यानी मैथ के सभी जो चैप्टर्स थे उसके अंदर उनकी तो कमांड शानदार हो गई थी। ठीक है, बाद में उसने फिर SSC LDC का एग्ज़ाम दिया था, इसको स्कोर यानी 180 यानी 200 में से 180 स्कोर आया था। तो मैं यानी खुद यानी एकदम क्या इतनी यानी खुद के अंदर डेडिकेशन था उसके अंदर भाई किसी भी चीज़ को करने का, कि उसने वो लास्ट में करके दिखाया। यानी लास्ट में उसको वो जॉब मिली, टाइपिंग वाइपिंग की उसने तैयारी करके LDC का लास्ट में क्लियर कर दिया एंड जॉब ले ली, गवर्नमेंट जॉब। तो इस कहानी का यानी बताने का आपका उद्देश्य यही था कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको किसी भी चीज़ पर रुकना नहीं चाहिए। वहाँ पर जाके आपको सिंपली बस वो चीज़ प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए, प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मार्क्स कितने आ रहे हैं, कट ऑफ कितनी आ रही है, इन सब चीज़ों को बस साइड में कर दीजिए। आपको जो वीक पॉइंट है उसको इम्प्रूव करते रहें, करते रहें, करते रहें, कभी ना कभी एक ऐसा मौका आएगा जहाँ पर आप छक्का मार देंगे। ठीक है, तो आइए देखो फटाफट से डिस्कस करते हैं अपन। तो देखो सबसे पहले अगर साय को आपको क्लियर करना है तो आपको जो कंसंट्रेशन लेवल है वो आपको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे कुछ एक एग्ज़ाम चैप्टर्स हैं, जैसे सबसे पहले हमारा शॉर्टेस्ट रूटीन है, क्या नाम है, क्लासिफिकेशन है एंड सम ऑफ ओड नंबर है, तो उसके लिए आपको कंसंट्रेशन की बहुत ज़रूरत है। क्वेश्चन सीधे सिंपली ऐसे लाइन में होते हैं सब में, और आपको एक एक करके ऐसे जोड़ना होता है। कुछ नंबर स्किप हो गया तो आपको डाउट होता है कि यार हमने जोड़ा नहीं जोड़ा, एंड उसमें हमारी गलती हो जाती है। ठीक है, तो जब तक आपका कंसंट्रेशन लेवल अगर हाई नहीं होगा तो सम ऑफ ओड नंबर में आपका स्कोर बढ़ना सीरियसली मुश्किल है। ठीक है, आपको अपना कंसंट्रेशन लेवल बहुत इंक्रीज़ करना पड़ेगा, फोकस आपका होना चाहिए जो भी आप काम कर रहे हो उसके ऊपर पूरा। क्लासिफिकेशन टेस्ट के अंदर भी ऐसा ही है, हर एक यानी ऑप्शन को आपको ध्यान से देखना पड़ता है कि इसके अंदर क्या चीज़ें, इतनी सारी टाइप्स हमने पढ़ी हैं क्लासिफिकेशन टेस्ट के अंदर, रोटेशन वाली, काउंट करने वाली, कभी फिगर इधर होता है कभी उधर होता है, तो इतनी सारी टाइप्स हमने पढ़ ली, कोई बंदा कभी कभी भूल भी जाता है इन सब टाइप को। तो इसलिए जब तक आपका कंसंट्रेशन लेवल एंड फोकस हाई नहीं होगा तब तक यानी आपका स्कोर इंक्रीज़ नहीं रहेगा। आप 35 में से सिंपली 25-24 तक ही स्कोर कर रहे होंगे, एंड ये स्कोर बढ़ाने के लिए आपको कुछ एक चीज़ें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले क्या है, स्टॉप ऑल नोटिफिकेशन, जो भी आपका व्हाट्सअप है सिंपली नोटिफिकेशन मोबाइल के अंदर जाके बंद हो जाते हैं, व्हाट्सअप, टेलीग्राम,
अगर YouTube पे आपने हमारा भी अगर बेल आइकन दबा रखा है तो उसी को भी स्टॉप करें। जब आप पढ़ रहे हैं तो नोटिफिकेशन कोई भी आना नहीं चाहिए सिंपली, ठीक है, मोबाइल में। तो अगर वो बजेगा आप पढ़ रहे हैं तो बीच बीच में आप इसको चेक करते रहेंगे एंड इससे आपका पढ़ाई पे जो कंसंट्रेशन था, जो फोकस था, वो बिल्कुल ख़राब होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टॉप ऑल नोटिफिकेशन, जो भी नोटिफिकेशन मोबाइल में है वो सिंपली आप बंद कर दीजिए, चाहे कितने इंपॉर्टेंट हो। एंड सुबह उठते के साथ ही सबसे पहले मेडिटेशन एंड योगा कीजिए, जिससे कि आपका फोकस एंड कंसंट्रेशन बहुत बढ़ने वाले। सिंपली थोड़ा सा वॉक करें एंड योगा मेडिटेशन कुछ आप करें सुबह सुबह, ठीक है। थोड़ा टाइम निकालें, मैं नहीं बोल रहा कि आप एक दो घंटे लेके बैठे रहें, ऐसा नहीं, सिंपली आधा घंटा 15 मिनट करें, आँख मीच के बैठे रहें, सोचें कुछ मत सोचें, बस सिंपली यानी बस आँख मीच के बैठे रहें, ठीक है। तो मेडिटेशन योगा करें, नाइट वॉक या वॉक लिखा है मैंने, नाइट वॉक खाने के बाद थोड़ा सा घूमें, बस 5-10 मिनट थोड़ा सा घूमें और सोचें कि आज हमने क्या क्या पढ़ा एंड ये सारे पॉइंट थोड़े मेमोराइज करें कि क्या क्या हमने किया। अगर हो सके, अगर सिंपली आप तैयारी ही कर रहे हैं तो दिन के अंदर 1 घंटा तो कम से कम आप पूरे दिन, यानी हैक्टिक हो जाता है, सुबह भी पढ़ रहे हैं, दिन में भी पढ़ रहे हैं, शाम को पढ़ रहे हैं, रात को पढ़ रहे हैं, तो पूरा दिन काफ़ी हैक्टिव हो जाता है। 1 घंटा आप निकालिए कम से कम दिन में रेस्ट के लिए। रेस्ट जितना आप, जितनी अच्छी आप नींद लेंगे उतना आपका फोकस और कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा एंड आपका स्कोर श्योरली इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग में स्टडी, ठीक है, अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो अर्ली मॉर्निंग में आप जो पढ़ेंगे वो चीज़ आपको हमेशा ही एकदम याद रहेगी। 5 बजे आप उठ के पढ़ना स्टार्ट करें, नाइट में जल्दी सोएं, नाइट में जितना आप पढ़ेंगे कंसंट्रेशन फोकस धीरे धीरे गिरने लग जाता है, ठीक है। तो सुबह आप जल्दी उठें, रात को चाहे भले ही आप 10 बजे सो जाएं, सब कुछ करके 10 बजे सो जाएं एंड 5 बजे उठ के पढ़ना स्टार्ट करें। जो आपका वीक पोर्शन है वो सबसे पहले उठाएं 5 बजे, वो आपका देखेंगे आप धीरे धीरे आपका स्ट्रॉन्ग होने लग जाएगा एंड मार्क्स भी आपके तेज़ी से बढ़ने लगेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेंड सर्कल एंड फ़ोन कॉल्स। अब हमारे पास 20 दिन ही बचे हैं, अब किस दोस्त का फ़ोन आ गया तो 30 मिनट हमने उससे बात कर ली, दूसरे का आ गया 15 मिनट उससे, ऐसे यानी 1-2 घंटे तो फ़ोन कॉल के अंदर चले गए। देन हम शाम को उनसे मिल रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, तो फ्रेंड सर्कल को कुछ एक दिन के लिए आप स्किप कीजिए, ठीक है। जितना आप थोड़ी दूरियाँ बना के रखेंगे एंड पार्टीज फंक्शन ये सब छोड़ेंगे तो उतना आपके लिए अब बेटर रहेगा। तो कुछ एक टाइम के लिए फ्रेंड सर्कल को और फ़ोन कॉल को बिल्कुल ही स्किप कर दीजिए, ठीक। कट ऑफ डिस्कशन, बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं यूट्यूब पे देख रहे हैं, टेलीग्राम पे, व्हाट्सअप पे, दुनिया भर के ग्रुप हैं, उसके अंदर बस सिंपली ये डिस्कस करते हैं सर कितनी कट ऑफ रहेगी, मेरे कट ऑफ से 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स ज़्यादा हैं, और ग्रुप डिस्कशन में करते रहेंगे कुछ ना कुछ यानी बातें मारते रहेंगे। भाई ग्रुप डिस्कस आप कीजिए लेकिन क्वेश्चन डिस्कस कीजिए कि भाई ये प्रॉब्लम मुझे है और ये नहीं आ रही तो उसका क्या करना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉब्लम आप डिस्कस कीजिए, मार्क्स और कट ऑफ तो आप छोड़ दीजिए, जितने भी हैं सब देखे जाएंगे, ठीक है, बाद में उसको देखना। अब तो सिंपली बस हमारे पास दिन 20 ही बचे हैं तो आप सिंपली साइको पे ध्यान दीजिए, कट ऑफ मार्क्स कितने रहेंगे, मेरे इतने नाम से होगा नहीं होगा, वो सब बाद की बातें हैं, उसको छोड़ दीजिए। अभी सिंपली आप फोकस करें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का, ठीक है। अगर आपके कम मार्क्स है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने के ऊपर ध्यान दीजिए, ना कि इस चीज़ पे कि मेरे मार्क्स तो इतने हैं कुछ होगा नहीं, ठीक है। सबसे पहले इस चीज़ को भूल जाइए कि कुछ होगा नहीं, ठीक है। अगर आप तरीके से तैयारी कर रहे हैं एंड आपको विश्वास है तो पक्का आपको कुछ ना कुछ मिलने ही वाला है। ऑलवेज मोटिवेट योरसेल्फ, हमेशा अपने आप को मोटिवेट कीजिए, ठीक है। कभी भी ये मत सीजिए सोचिए कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता एंड ये सम ऑफ ओड नंबर में तो मेरे मार्क्स कभी इंक्रीज होंगे ही नहीं, ऐसा नहीं होंगे। हमेशा अपने मन में एक विश्वास रखिए कि मेरे मार्क्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे, मेरे मार्क्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। भले ही 20 से 21 हुए, 21 से 22 हो रहे, यार मेरे मार्क्स तो बढ़ रहे हैं, ऐसे तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अपने आप को मोटिवेट करें, कभी भी अपने आप को डीमोटिवेट ना करें कि क्लासिफिकेशन में तो मेरे बहुत कम नंबर आते हैं और ये कभी इंक्रीज होंगे भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना, ठीक है। एंड सम ऑफ ओल्ड नंबर के अंदर तो यार मैं समझ नहीं कर पाता हूँ, टाइम पहले हो जाता है। अरे भाई जितने भी मैंने कर लिए बहुत अच्छा कर लिया एंड अगली वीडियो में मैं और भी ज़्यादा अच्छा करूँगा, अगले सेट में और भी ज़्यादा अच्छा करूँगा। तो ऐसे अपने आप को मोटिवेट करते रहें, ठीक है। बिलीव इन योरसेल्फ, आपको अपने अंदर पूरा विश्वास होना चाहिए कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा। अच्छा देखो कि जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है, हर एग्ज़ाम के अंदर टाइम बहुत लगता है। अभी रेलवे का एग्ज़ाम, इसके अंदर कम से कम 3 साल लग गए हैं, धीरे धीरे प्रोसेस चल रहा है, तो बंदा धीरे धीरे डीमोटिवेट होने लगता है। मैंने भी एग्ज़ाम की तैयारी की है, 3-4 साल लग जाते हैं एग्ज़ाम को क्लियर करने के अंदर। और ऐसा भी होता है कि हम पहला फेज क्लियर कर देते हैं दूसरे साल में और तीसरे साल में लास्ट फेज में क्लियर हो जाते हैं, तो फोर बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो हमेशा अपने आप को मोटिवेट करते रहें, बिलीव रखें कभी ना कभी अच्छा होगा, ठीक है। सभी लोग यहाँ पे अलग अलग ढंग से तैयारी कर रहे हैं, तो किसी को अल्लाह में विश्वास है, किसी को
सिख धर्म में अपने गुरु नानक जी में विश्वास है एंड अपने हिंदू धर्म में सभी भगवानों में किसी को विश्वास है। तो सभी जो लोग हैं जो तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं, हर किसी को एक चीज़ में विश्वास रखना चाहिए कि हाँ कोई पावर अपने पास है एंड कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा लाइफ में। कभी भी नेगेटिव मत सोचिए, तैयारी करते रहें, बस अपने आप को उसके अंदर लगे रहें एंड कुछ भी अगर नेगेटिव होता भी है तो आप सोचें कि हाँ भाई इसमें से कुछ पॉजिटिव निकल के आएगा, तभी ये मेरे साथ हुआ है। ठीक है, तो हमेशा अपने साथ एक चीज़ रखें, सोचें माइंड में, आँख बंद करके बस ये सोचें कि भगवान जो भी है, जो पावर है, अगर कोई मानता नहीं तो कोई सुपरनेचुरल अपने साथ कोई ना कोई पावर है जो हमेशा मुझे सपोर्ट करती है एंड भले ही नेगेटिव हो रहा हो लेकिन लास्ट में वो पॉजिटिव निकलेगा ही। ठीक है, नेगेटिव में भी आपको लास्ट में यही सोचना है कि वो लास्ट में कहीं ना कहीं, अगर सपोज किसी का साइको भी नहीं हो पाता तो लास्ट में यही सोचना, कोई बात नहीं यार, रेलवे जो शायद अपने लिए थी नहीं, कोई बात नहीं, कोई अच्छा एग्जाम निकलेगा मेरे से। ठीक है, तो हमेशा ही अपने आप को पॉजिटिव मोटिवेशन देना है, ना कि नेगेटिव कि भाई छोड़ दी तैयारी, अब अपने से कुछ नहीं होगा, हम तो भैया प्राइवेट जॉब में घुस जाते, नहीं, गवर्नमेंट जॉब को टाइम लगेगा, एक साल लगेगा, दो साल लगेगा, कोई एक साल में निकल जाएगा, किसी को तीन साल में, लेकिन मिलेगा जरूर, ये बात ध्यान रखना। अगर आप लगातार लगे हुए हैं कोई ना कोई एग्ज़ाम में आपकी कहानी कहीं ना कहीं फिट बैठेगी जरूर। अगर आप उसको बीच में छोड़ के निकल जाएंगे तो फिर आप ज़िंदगी भर अफसोस ही करते रहेंगे कि हुआ कि भाई मैंने उसको ट्राई क्यों नहीं किया। ठीक है, हम सभी लोग यहाँ पे जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और वहाँ पे जो सोशल जो प्रेशर होता है हर जगह से होता है। ठीक है, फैमिली से होता है, आसपास के जो कॉलोनी वालों से, लोगों से बहुत प्रेशर होता है, दोस्तों से, दोस्त लोग हैं वो सैलरी कमा रहे हैं, लाखों में कमा रहे हैं और भाई साहब हम अभी बैठ कर तैयारी कर रहे हैं, तो ये प्रेशर सबके ऊपर है। ठीक है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं एंड हम कभी ना कभी लगेंगे इस एग्ज़ाम में। ठीक है, कोई बात नहीं, जो प्रेशर है वो आपको सहना पड़ेगा, हर जगह से आपके ऊपर प्रेशर है, एग्ज़ाम का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, कोई जिनकी ज़्यादा एज हो रही है उनका यानी फैमिली शादी का प्रेशर है और काफ़ी टाइम से जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे एग्ज़ाम निकाल नहीं पा रहे, पाँच पाँच साल हो रहे हैं, तो सबके ऊपर प्रेशर रहता है। ठीक है, तो आपको हमेशा ही अपने आप को पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव की तरफ तो जाना ही नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं एंड प्रैक्टिस प्लान जो हमारा क्या होना चाहिए। आप देखो, सबसे पहले वन ऑफलाइन सेट, कोई भी आप बुक ले लीजिए, आपके पास विद्यासागर है, किरण है, उपकार है, देखो विद्यासागर के अंदर मिस्टेक्स थोड़ी कम है। ठीक है, देन किरण के अंदर देख रहा हूँ मैं कि मिस्टेक्स हैं एंड उपकार के अंदर भी काफ़ी मिस्टेक्स हैं। उपकार आप सोल्व करेंगे तो उपकार का आप देखोगे कि इस वक्त अगर आप सबसे इजी इजी अच्छी बुक विद्यासागर मुझे ठीक लगती है, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन भी ठीक है एंड सबसे पहली बात नेगेटिव यानी वो नहीं है कि भाई क्वेश्चन अगर गलत हैं पीछे गलत नहीं है, यानी मिस्टेक्स काफ़ी कम है। ठीक है, और भी हमारे जो टेलीग्राम जो चैनल है स्टडी ग्रिड, उसका मैं लिंक दे दूंगा, उसके अंदर शायद एक दो कोचिंग सेंटर के भी मैंने वीडियो डाली हुई है, तो उनको जाके ट्राई कर लीजिए। ठीक है, किरण और उपकार के अंदर के नेगेटिव बहुत चीज़ें हैं, यानी कि गलतियाँ बहुत हैं, अगर आप करोगे तो डिमोटिवेट होने के चांसेस थोड़े हैं। तो इस टाइम पर अगर आप विद्यासागर को एक बार कर लो एंड और भी कोचिंग सेंटर्स की बुक पड़ी हुई है अपने ग्रुप के अंदर, तो उसको जाके करें। ठीक है, एक ऑफलाइन सेट करें। ठीक है, उठ के सुबह सुबह ऑफलाइन सेट करें। ठीक है, सुबह सुबह उठते के साथ ही आप सीधा मोबाइल में अगर ऑनलाइन करोगे तो फिर वो आँखों पे इंपैक्ट सही नहीं रहेगा, तो आप ऑफलाइन सेट मारें सुबह सुबह उठते के साथ ही, उसको एनालिसिस करें कि कहाँ वीकनेस अपनी आ रही है। ठीक है, फोकस ऑन वीकनेस, यानी सबसे पहले आपको सेट मारना है, फिर देन उसके अंदर वीकनेस देखना है कि कौन सा पोर्सन, पाँचों पोर्सन के अंदर अपना सबसे वीक पोर्सन कौन सा है। हमेशा ही वीक पोर्सन पर आपको प्रहार करना है। ठीक है, उसके ऊपर ही हिट करना है सबसे पहले। एक ऑनलाइन सेट मार लेना है, फिर ऑनलाइन सेट मार देंगे, ऑनलाइन सेट के अंदर तो एनालिसिस निकल के आ भी जाती है इसके अंदर कि भी कौन सा पोर्शन आपका वीक है एंड फिर उसके ऊपर फोकस करना है, उसके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा सोल्व करने हैं, एनालिसिस ऑफ मॉक अगला ही पॉइंट है अपना। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उस चीज़ करने हैं, अगर क्लासिफिकेशन के अंदर अगर अपनी वीकनेस है उसके अंदर भाई मैं 35 में से सपोज 25 ही कर पा रहा हूँ, तो हम शांति से बैठ के ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी टाइप अपनी बनती है, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं और कौन कौन से मेरे क्वेश्चन जो हमेशा गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं उन चीज़ों पर फोकस करूंगा, मैं ये नहीं पूछूंगा सर मार्क्स कैसे इंक्रीज करें, अरे भैया कोई गोली थोड़ी अपने पास की भाई ये गोली खा लो एंड आपके मार्क्स अगले दिन से ही 35 में से 35 आने लग जाएंगे, नहीं। कभी भी जो मार्क्स हैं वो प्रैक्टिस आप जितनी करोगे धीरे 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 इंक्रीज़ होते हैं, एकदम से इंक्रीज़ आपके मार्क्स कभी नहीं होंगे। मैं आपसे सिंपली बोलता हूँ, मैं आपको बोल दूँ कि भाई मेरी आप 14 वीडियो देख लें एंड कल से आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला भाई। आप वीडियो देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक, लास्ट हमारा है प्रैक्टिस वीक पोर्शन, ये तो मैंने बताई थी आपको, जो भी आपका वीक पोर्शन है अगर सम ऑफ ओड नंबर है तो उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, एक दो तीन सेट दिन के अंदर लगाएं, फटाफट टाइमर नोट करें,
इंक्रीज करेगा आपका स्कोर। श्योर बात है आपके पास 20 दिन है, 20 दिन कम नहीं होते हैं, ठीक। और अगर हमारा क्या नाम है क्लासिफिकेशन के अंदर अगर आपका वीक पर्सन है तो पूरी बुक अच्छे से सोल्व करें, जो जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं उसको गोल मार्क कर दें एंड फिर दोबारा उस क्वेश्चन को देखें बाद में, ठीक है ना। रात को सोने से पहले उस क्वेश्चन को देखें कि इसके अंदर मैंने ये गलती की थी, ठीक है। दिन के अंदर क्लासिफिकेशन के अंदर आपने सपोज विद्यासागर करके एक सेट लगा दिया, 35 क्वेश्चन हमने कर लिए, ठीक है, उनको अंदर आपने गोला लगा लिया कि भाई, और रात को सोने से पहले उनको देखें कि इसके अंदर ये ट्रिक लगी थी यार और ये मुझे याद नहीं थी, ठीक है। तो फिर देखना धीरे 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 इंप्रूवमेंट, ये डेली आपको करना है। अगर सपोज दूसरे सेट के अंदर आपके दो क्वेश्चन थे, दो क्वेश्चन गलत हुए, तीसरे सेट में तीन क्वेश्चन गलत होते, टोटल हमारे पास 10 क्वेश्चन है, सिंपली बस रात को बैठ के आपको ये 10 क्वेश्चन देखने, ऐसे ऐसे धीरे धीरे क्वेश्चन आपके पास 50 हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, 50 इन क्वेश्चन अगर डेली आप रात को बस एक बार सिंपली बैठ के अगर देखते रहोगे तो ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो मेरी स्ट्रेटजी समझ में आई, क्या करना है, सबसे पहले अगर क्लासिफिकेशन आप कर ले हैं तो उनके क्वेश्चन आपने नोट कर लिए, भाई दो तीन क्वेश्चन हमने गलत हुए थे उन क्वेश्चनों पर गोला मार लिया बुक में एंड रात को हमने सोते टाइम उसको देख लिया। ऐसे दूसरा सेट करेंगे उसमें अगर गलत हैं तो डेली पिछले जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम देखते देखते चलेंगे एंड लास्ट डेज अब जब तक आप यानी पेपर के पास पहुंच जाएंगे तो जो जो ट्रिक्स थी वो सब आपको रिमाइंड रहेंगी एंड देखना 35 में से लास्ट डे आप जो प्रैक्टिस सेट करेंगे 34 पक्का स्कोर करेंगे, लिख के ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं भाई साहब, अब अपनी जो ये चीज़ें हैं भाई, देखो क्लासिफिकेशन टेस्ट के अंदर हमने सभी तरह की जो टाइपें थी वो डिस्कस कर ली हैं। आप टाइप वाली वीडियो देखिए, जो नए बच्चे हैं, जो पुराने बच्चे हैं वो सिंपली प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन टेस्ट की मैंने आपको बताया कि इतनी सारी बुक्स हैं, किसी भी एक बुक को उठा के सबसे पहले सारी जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस कीजिए कि भाई क्वेश्चन ना रोटेशन से भी होते हैं, क्वेश्चन ना काउंट करने से भी होते हैं, देन मिरर इमेज से होते हैं, देन वाटर इमेज से होते हैं, देन भाई काउंट करने से और वोवल से, कंसोनेंट से, इन सभी से भी होते हैं, ठीक है। या फिर पेयर वाइज एक हमारी अप्रोच है, पेयर वाइज अप्रोच से भी होते हैं क्वेश्चन, तो ये सभी टाइप आपने नोट कर लें एंड इस तरीके से इसको अप्रोच करें, ठीक है। क्वेश्चन किस तरह के मेरे क्वेश्चन हैं जो हमेशा गलत हो रहे हैं उन क्वेश्चनों पर फोकस करें, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन टेस्ट के लिए मैंने आपको बताया, कोई भी एक बुक उठा लीजिए एंड ऑनलाइन सेट कर लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका स्कोर बढ़ता रहेगा। सेलेक्टिव अटेंस टेस्ट पे देखो, अब इसकी ट्रिक तो दो तरह की, हमने यूनिट डिजिट, अगर यूनिट डिजिट भी ना बने तो एक और वीडियो है हमारी, वीडियो नंबर 5, उसके अंदर मैंने डिस्कस किया था कि कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो दो तरीके देखो, और कोई तरीके तो आपको मिलेंगे नहीं, ठीक है। ये दो तरीके ही हैं जिससे हम थोड़ा जल्दी कर सकते हैं एंड कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए अगर कोई कैलकुलेटिंग आप ऐप अगर करना चाहते हो तो वो कर लो, नहीं सिंपली आप इसको अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपकी कैलकुलेशन सिंपली बढ़ी जाएगी, ठीक है। इस पे ज़्यादा फोकस करें, देखो लास्ट टाइम का मैं पेपर आपको बताता हूँ पूरा, देखो पिछली बार का अगर मैं पेपर बताऊँ तो 35 में से पिछली बार 20 क्वेश्चन क्लासिफिकेशन के बिल्कुल ईजी थे, आराम से कोई भी कर सकता था अगर वो विद्यासागर बुक करके गया तो, ठीक। रोटेशन लग रही थी, ज़्यादातर क्वेश्चन रोटेशन से हो रहे थे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन मेरी इमेज के भी थे, 35 में से 20 क्वेश्चन बिल्कुल ईजी थे और 5 जो क्वेश्चन थे वो मॉडरेट, 5 से 7-8 क्वेश्चन थे जो मॉडरेट थे, बाकी क्वेश्चन थे जो अच्छे क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके गया होगा बंदा वही इनको सोल्व कर सकता था, ठीक है। कहने की बात ये, सिलेक्टिव अटेंस टेस्ट सिंपली, इसमें तो कुछ डिफिकल्ट तो कुछ होता ही नहीं है, सिंपली बस डिजिट है। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर सम क्या, 60 से 70-80 तक इतना भी पहुँच जाता है, अरे अब वो तो रेलवे कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन पिछली बार जो आई थी काउंटिंग वो 40-50 तक, बस 50 भी नहीं आई थी जहाँ तक मुझे याद है, 30-40 के अराउंड 40 तक शायद ख़त्म हो रही थी, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं थी। एंड खुद का बताऊँ तो मैंने 27 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे सेलेक्टिव अटेंस टेस्ट के, ठीक है। वहाँ पर जाके स्क्रीन पे मैं मोबाइल पे प्रैक्टिस कर रहा था, वहाँ पे लैपटॉप पे मैंने स्क्रीन पे इसको प्रैक्टिस कभी किया नहीं था, तो इसकी वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था। तो आपको थोड़ा फोकस इंक्रीज करना है इसके अंदर, इसके अंदर फिर भी काफ़ी बच्चे थे जो थोड़े लटक गए थे सेलेक्टिव अटेंस में। सो टेस्ट रूट टेस्ट बिल्कुल ईजी था, विद्यासागर बुक की तरह ही था बिल्कुल ही, ठीक है। ये ऐसा नहीं था कि बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शन लगे हुए हैं, दिख ही नहीं रही है रास्ता वास्ता, ऐसा कुछ भी नहीं आया था पिछली बार का बता रहा हूँ। देखो रेल में हर बार पलटता रहता है, इस बार कैसा आएगा मैं बोल नहीं सकता, लेकिन पिछली बार का सिलेक्टिव अटेंशन मैक्सिमम बच्चों ने 40/40 किए थे मैक्सिमम, ठीक है। कोई ही ऐसा था, और 35 प्लस तो मैं बोल सकता हूँ कि सभी के ही थे, हर किसी बच्चे ने 40/40 लगभग किए थे। पर्सनलिटी टेस्ट में से मैंने आपको पर्सनलिटी वाली वीडियो में बताया कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे वो ऑफिस से वर्किंग जो रहती है हमारी उससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन थे। जो वीडियो है वो एकदम सही मैंने आपको बताई है, एक तो सोशल नेटवर्क में आपका जो सोशली आप कैसा बिहेव करते हो, उस तरह से आप कितनी लोगों की हेल्प करते हो एंड काम करते टाइम आपका बिहेवियर कैसा, तो इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा थे पर्सनलिटी टेस्ट में।
इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग में मैक्सिमम बच्चों ने 25 डिस्क किया ही है क्लियर, क्योंकि इसके अंदर कुछ गलत होने का गुंजाइश नहीं है, ठीक है। सिंपली इसके अंदर बस मैंने जो आपको ट्रिक बताई है वो ही वहाँ ट्रिक लग रही थी, और आराम से आप 6 मिनट में करके बैठ गए थे इसको। मैक्सिमम बच्चे सिंपली इसको करके बैठ गए थे, किसी भी बच्चे को इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। 4 साल पुरानी मेरे एग्ज़ाम की रिव्यू की वीडियो है, आप उसको जाके देखना, 3 साल या 4 साल पहले की पुरानी वीडियो है, आप उसको जाके देखना। एग्ज़ाम से बाहर आते के साथ ही मैंने इसको रिव्यू दिया हुआ है, उसको आप देखना, ठीक है। तो वीडियो के अंदर मैंने सिंपली बोला है इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग काफ़ी ईजी था, तो ये 2 पोर्शन तो आपके बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर आपके मुश्किल से बस 3 से 4 पोर्शन गलत हो सकते हैं, वो भी अगर बहुत ज़्यादा उल्टे पुल्टे पूछे हों तो, नहीं तो ये भी आपके एकदम करेक्ट पाएंगे। फोकस करना है क्लासिफिकेशन टेस्ट पे, सेलेक्टिव अटेंशन पे, क्लासिफिकेशन की लास्ट तक आप प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट का मैंने आपको बताई है, अगर डेली अगर आप ये जो रूटीन आप कर रहे हैं, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन और जो वीक पोर्शन है उसको स्ट्रॉन्ग, तो आपका जो स्कोर है वो लास्ट तक एकदम इंक्रीज हो जाएगा पूरे सेट में। अगर मॉक आप ऑनलाइन दे रहे हैं तो मुश्किल से 10 क्वेश्चन गलत होंगे पूरे में, ठीक है। देन अब चलते हैं हमारे, ये तो सारा हमने डिस्कस कर ही लिया, ठीक है। और कोई क्वेश्चन बच्चों का किस रिलेटेड आता है, कट ऑफ से रिलेटेड आता है तो वो मैंने आपको बताई दिया। कट ऑफ की आप छोड़ो, आप कुछ भी इस तरह का कुछ भी डिस्कस मत करो कि कट ऑफ कितनी रहेगी, कितने मित्र मेरे मार्क्स हैं, मैं करूँ ना करूँ। आपको अब बिल्कुल भी वरिड होने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को हमेशा ही दिमाग से निकाल दो, आप सिंपली बस तैयारी करते रहो, ठीक। लास्ट एक हमारे आलोक शरद त्रिपाठी जी की एक, ये सिंपली एक कविता है, इसको आप पढ़ो, बहुत ही शानदार इन्होंने लिखा हुआ है। बोलता हूँ मैं इसको, कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल, लीक पर तो सभी चल देते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, जब नाम हासिल हो मंजिल तो राह में राही आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख मन में, ना कोई बहाना रख, जो लक्ष्य सामने है बस उसी पे अपना ठिकाना रख। सोच मत सकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर, मिलेगा तेरी मेहनत का फल, किसी और का ना इंतजार कर। जो चले थे अकेले उनके पीछे आज मिले हैं, जो करते हैं इंतजार उनकी जिंदगी में आज भी झमेले हैं, ठीक है। तो बहुत ही शानदार ये लाइन है, तो इससे आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें अपना चैनल, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, ग्रुप में जो बच्चे हैं काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं चैनल को, काफ़ी अपना ग्रो हुआ है इस ड्यूरेशन में, जो बच्चे हैं काफ़ी, यानी नाम तो किस किस का लूँ, नाम तो काफ़ी अपने ग्रीडी किंग जी हैं और अजय देवगन साहब हैं, उनका स्कोर हमेशा ही यानी 100% ही रहता है, पता नहीं क्या चक्कर है। एक विवेक जी हैं, एक रितु जी हैं, सालू जी हैं, दीपक जी हैं, संदीप जी हैं, अब किन किन के नाम लो, नाम बहुत हैं, पीके जी हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे काफ़ी अच्छे से मिलके मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करते रहें। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सपोर्ट करें, बिल्कुल 0 से मैंने चैनल उठाया है सभी बच्चों के लिए, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों स्वस्थ रहें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और जो रूटीन आपको बताया उसको फॉलो करते रहें। बाय बाय।